बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है साइंस बेस्ड एमसीक्यू है, और ये जो एमसीक्यू उठाए हुए हैं साइंस की जो बुक है एनसीईआरटी की 6 की, उससे उठाए हुए हैं। और इस ये जो आपके एग्ज़ाम के लिए कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे, तो जो अभी एचपी कांस्टेबल का पेपर है उसके साथ ही जितने भी हिमाचल प्रदेश के, चाहे वो टेट का पेपर हो, चाहे कमीशन का हो, चाहे ऑडिटर का हो, मीन जीके सेक्शन जहाँ भी आता है वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। तो आइए चलते हैं आज का जो ये क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो आपका जो क्वेश्चन है आपके सामने है, दीप्त वस्तुएं क्या होती है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आपने, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में माइनर सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर जो था, निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त वस्तु नहीं है, क्वेश्चन ये था। तो उसका आंसर होना था सूर्य, प्रकाश, तारा, मानव की आंखें, इनमें से कोई आपने एक का आंसर करना था। तो आंसर जो होगा इसका मानव की आंखें। तो अब हम सीखते हैं दीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जो क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। याद रखना, प्रकाश उत्सर्जित करने वाली जो वस्तुएं होती है उनको क्या कहते हैं, उनको जो कहते हैं दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो यहाँ पर जो मानव की आँख है वो एक दीप्त वस्तु नहीं है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे नेक्स्ट वन जो है, प्रकाश किस प्रकार की गति करता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, सरलरेखीय, वर्तुल रेखीय, वक्र रेखीय, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, जो प्रकाश होता है हमेशा वो जो गति करता है वो सरल रेखीय गति होती है। तो इसका आंसर ए जो है सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। बोलने का मतलब है जो सरल रेखीय गति है वो क्या है, यहाँ पर सही आंसर है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो प्रकाश वर्ष जो SI यूनिट यूज़ की जाती है और डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। जैसे पंखा है उसमें वर्तुल रेखीय गति होती है, और साथ में जो आपका वक्र रेखीय गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी जो गति होती है, ये आप कार ले लो उसमें ऐसी गति देखने को मिलती है। इसके अलावा अन्य कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल आपके सामने ऑप्शन में 1, 2, 3, 5 ऐसे करके दिए हुए हैं। तो आप इनमें से किसको आंसर करोगे, तो इसका जो सही आंसर है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव। तो यहाँ से आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, चुंबक में सबसे ज़्यादा आकर्षण किस भाग में होता है। तो जो उसके ध्रुवीय भाग होते हैं वहाँ पर, उसका पार्श्व भाग होता है वहाँ पर, मध्य भाग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, उसके जो ध्रुवीय पार्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है। क्या मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं कि जो चुंबक होता है जब हम उसे इंडिपेंडेंट छोड़ दें तो वो किस डायरेक्शन में जाकर ठहरता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ में एक आंसर और कीजिएगा कि जो प्राकृतिक चुंबक है वो कौन सा चुंबक है, वो किस नाम से उसे पुकारा जाता है, और वो प्राकृतिक चुंबक पहली बार किस देश से मिला था। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड आउट जरूर कीजिएगा। पता नहीं है तो फाइंड आउट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आंसर भी बता दूंगा। आगे का जो क्वेश्चन है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 है, चुंबक के विपरीत ध्रुव हमेशा एक दूसरे को, तो विपरीत ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और साथ में प्रतिकर्षित करते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो अगर आपने चुंबक को लिया है तो जो विपरीत ध्रुव होते हैं हमेशा वो आकर्षित करते हैं, पर जो ऑपोजिट पोल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन शुद्ध जल का स्रोत है, झील, वर्षा, नदी, सागर। तो यहाँ पर आपको देखना है और बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वर्षा होगा। वर्षा का जल जो होता है सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। आगे जो है आपके क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत की दिशा, जो ये मतलब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत की दिशा विद्युत सेल से किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की ओर होती है। तो यहाँ पर भी आंसर जो होगा, आंसर होगा
इसका जो फर्स्ट आंसर है वो इसका सही आंसर है। बोलने का मतलब है पॉजिटिव से जो नेगेटिव की ओर जो विद्युत परिपथ में विद्युत की दिशा होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, पानी का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सी है पोटाशियम परमैंगनेट। और आगे नेक्स्ट वन जो आपका लास्ट ऑप्शन है, ए बी दोनों। क्या आपने अभी तक आंसर सोच लिया है? सोच लिया है तो अपनी कॉपी में लिखिएगा और बाद में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए और बी होगा। तो क्लोरीन और जो पोटाशियम परमैंगनेट है इसका यूज पानी के प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, दुधिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो यूज होता है, इसका यूज जो हमें भोजन का जब पाचन नहीं होता है तो उस पाचन को करने के लिए यूज़ होता है। बोलने का मतलब है कि जब अपच हो जाता है तो अपच का खात्मा करने के लिए ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका यूज़ किया जाता है। क्या आप मुझे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बता सकते हैं? और क्या ये मुझे भी ये भी बता सकते हैं कि क्या इसमें क्षार की प्रॉपर्टी होती है या फिर अम्ल की प्रॉपर्टी होती है? क्या इसमें बेस की प्रॉपर्टी होती है या एसिड की प्रॉपर्टी होती है? तो ये आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर कीजिएगा। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आप सबने कपड़े धोए होंगे और अगर नहीं धोए हैं तो घर में मम्मी धोती होगी या आपकी जो मतलब सिस्टर है वो धोती होगी। तो गीले कपड़ों के सूखते समय जल के विलुप्त होने का कारण क्या होता है? तो जल का वाष्पन, जल का संवहन, जल का संघनन, जल का घनत्व ज़्यादा। तो इसमें जो सही आंसर है वो आंसर जल का वाष्पन होता है। जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है उसकी वजह से हमारे जो कपड़े होते हैं वो सूखते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो 10 के 10 क्वेश्चन है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो आपसे पूछे गए क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर कीजिएगा और आपने कितना स्कोर किया उसको जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे नेक्स्ट वन जो है आप एक प्रकार का मॉक टेस्ट है, इसके आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। आपको इसको बिल्कुल टकली लगाकर देखना है और साथ में क्या करना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है और आंसर करने हैं और बाद में आपने कितना स्कोर किया उस स्कोर को कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आइए चलते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन है आपके मॉक टेस्ट का। पहला गांव और गेटवे ऑफ लाहौल स्पीति किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। आपने कॉपी में आंसर कर लिया होगा, अगर कर लिया है तो तब भी अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो कल का वेट कीजिए, आपको इसका आंसर बताया जाएगा। अगर आपको आंसर पता है तो काफ़ी अच्छी बात है। आगे नेक्स्ट वन है, गमगुल हिमाचल के किस भाग में है? ऑप्शन ए में जास्कर दिया हुआ है, बी में मध्य हिमालय और सी में ग्रेट हिमालय दिया हुआ है, डी में ट्रांस हिमालय। तो मुझे लगता है आपको ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन लगा होगा, आपने इसका भी आंसर कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, टिम्बर ट्रेल त्रासदी का संबंध किस जिले से है? सोलन, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा। तो इनमें से क्या सही आंसर है? तो ये भी आपको आता होगा, आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो आपको कल इसका आंसर बताया जाएगा। गौरा देवी मूल रूप से किस देश की थी? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, हिमाचल के किस व्यक्ति को भाई जी के नाम से जाना जाता था? बागमल सोटा, हिरदाराम, किंकरी देवी और कोई नहीं। तो इसका आंसर जरूर कीजिएगा, कल हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी करेंगे और साथ में आपको आंसर भी बताए जाएंगे। भद्रबाहु का संबंध किस धर्म से था? जैन थे, वो बौद्ध थे, सिख थे और हिंदू थे। तो इनमें से आप 6 क्वेश्चनों में से कितने आंसर ठीक कर पाए उसका स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और कल आपको इसका इसके आंसर बताए जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो मॉक टेस्ट है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर बनता है और साथ में एक शेयर भी बनता है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसमें जो जीके से रिलेटेड और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। और यहाँ पर आपको हर तीसरे या चौथे दिन जो है मतलब
वीडियो भी देखने को मिलती है, चाहे हिमाचल जीके का पोर्शन हो चाहे साइंस का जो पोर्शन है, और साथ में जो ये मॉक टेस्ट है इसका भी आपको पोर्शन देखने को मिलता है। साथ में अगर आप जो हमारा क्या बोलते हैं पीडीएफ फॉर्म में या साथ में आपका जो क्या बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए मॉक टेस्ट की, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर है, आप नंबर यहाँ मतलब लिख सकते हैं अपना जो नोटबुक है उसमें, इस नंबर को जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा कि जो मॉक टेस्ट से क्या पता चलता है आपको कि आप की जो स्टडी है किस मोड पे हैं या आप किस सेक्शन में वीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर इस तरह है 9625392020। तो इससे क्या होगा, जब आप इस मॉक टेस्ट मतलब हम अभी तक मैं 18 टेस्ट बना चुका हूँ, अगर आपको भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, वो पीडीएफ फॉर्म में या जो आपकी हार्ड कॉपी होती है मतलब सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों में आपको क्या मिलेगा, ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये पुलिस के लिए है, साथ में जीएफटी टेट कमीशन इसके लिए मॉक टेस्ट बना चुके हैं जो हमारी टीम है। और साथ में क्या है कि अगर आप मतलब ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन क्लासें भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान, ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद, जय हिंद।